दोस्तों, सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मुल्की में हुआ था, जो कि मंगलुरु के समीप है। इनके पिता का नाम था वीरप्पा शेट्टी और इसकी पत्नी का नाम है माना शेट्टी। सुनील शेट्टी के फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में आई बलवान मूवी से हुई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, दिव्या भारती, श्रद्धा वर्मा, अंजना मुमताज और डेनी डेन जोंपा थे। इस फिल्म की बजट 1,56,00,000 थी और इसने 30,50,00,000 की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद 1993 में वक्त हमारा है आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, आयशा झुलका और ममता कुलकर्णी नजर आए। इस फिल्म की बजट 1,85,00,000 थी और इसने 2,50,00,000 की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल सुनील शेट्टी की पहचान फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, शिल्पा शिरोडकर, मधु और किरण कुमार थे। इस फिल्म की बजट 1,85,00,000 थी और इसने 3,50,00,000 की कमाई की और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद 1994 में दिलवाले फिल्म आई। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर और परेश रावल नजर आए। इसकी बजट 2,10,00,000 थी और इसने 12 करोड़ की कमाई की और यह मूवी सुपर हिट रही। इसी साल अंत फिल्म आई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सोमिया अली, परेश रावल और आलोक नाथ थे। इसकी बजट 1,65,00,000 थी और इसने 7,20,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल सुनील शेट्टी की मोहरा फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह और परेश रावल नजर आए। इस फिल्म की बजट 3,75,00,000 थी और इसने 22,23,00,000 की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल सुनील शेट्टी की गोपी किशन फिल्म आई। यह फिल्म सन 1990 में आई तमिल फिल्म अवसरा पुलिस 100 की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शिरोडकर और सुरेश ओबेरॉय नजर आए थे। इसकी बजट 2,15,00,000 थी और इसने 8 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म हिट रही। इसी साल के आखिर में हम है बेमिसाल फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शिल्पा शिरोडकर, मधु और प्राण थे। इसकी बजट 2,10,00,000 थी और इसने 5,20,00,000 की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 1995 में सुनील शेट्टी की सुरक्षा फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, शिबा, दिव्या दत्ता, मोनिका बेदी और आदित्य पंचोली नजर आए थे। इसकी बजट 3 करोड़ थी और इसने 5,41,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल रघुवीर फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, सुरेश ओबेरॉय और सुधा चंद्रन थे। इसकी बजट 2,50,00,000 थी और इसने 6,38,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल गद्दार फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, हरीश कुमार और किरण कुमार थे। इसकी बजट 2,75,00,000 थी और इसने 4,57,00,000 की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसी साल सुनील शेट्टी की टक्कर फिल्म आई थी। यह फिल्म सन 1992 में आई हॉलीवुड फिल्म अनलॉफुल एंट्री की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, नसरुद्दीन शाह और सफी इनामदार नजर आए थे। इसकी बजट 3,25,00,000 थी और इसने 7 करोड़ की कमाई की थी और इसी के साथ यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद 1996 में एक था राजा फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और प्रतिभा सिन्हा नजर आए थे। इसकी बजट 3,50,00,000 थी और इसने 4,52,00,000 की कमाई की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल विश्वासघात फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अंजलि जठार और अनुपम खेर थे। इसकी बजट 2,25,00,000 थी और इसने 3,57,00,000 की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसी साल कृष्णा फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, ओम पुरी, शक्ति कपूर और मोहन जोशी नजर आए थे। इसकी बजट 6,25,00,000 थी और इसने 16 करोड़ की कमाई की और यह सेमी हिट साबित हुई थी। इसी साल शास्त्र फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अंजलि जठार, डेनी डेन जोंपा और अनुपम खेर नजर आए थे। इसकी बजट 3,75,00,000 थी और इसने 8,40,00,000 की कमाई की और यह फिल्म एवरेज रही। इसी साल सपूत फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, सोनाली बिंद्रे और जॉनी लेवर थे। इसकी बजट 6,50,00,000 थी और इसने 12 करोड़ की कमाई की थी और यह एवरेज साबित हुई। इसी साल सुनील शेट्टी की रक्षक फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, सोनाली बिंद्रे और रघुवरन नजर आए थे। इसकी बजट 5 करोड़ थी और इसने 11 करोड़ की कमाई की थी और यह फिल्म भी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद साल 1997 में सुनील शेट्टी की बॉर्डर फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना और पुनीत इसार और साथ ही बड़े बड़े कलाकार नजर आए थे। इसकी बजट 10 करोड़ थी और इसने 66 करोड़ की कमाई की थी और इसी के साथ ही यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों, यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी थी और साथ ही इस फिल्म को कुल 13 अवार्ड मिले थे। इसी साल पृथ्वी फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, फराज खान, श्वेता मेनन और शक्ति कपूर नजर आए थे। इसकी बजट 5 करोड़ थी और इसने 7,70,00,000 की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल जज मुजरिम फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जितेंद्र, अश्विनी भावे, सुजाता मेहता और सोनी लिवर नजर आए थे। इसकी बजट 2,25,00,000 थी और इसने 6,34,00,000 की कमाई की और यह एवरेज रही। इसी साल भाई फिल्म आती है। यह फिल्म
फिल्म सन 1994 में आई तेलुगु फिल्म अन्ना की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, सोनाली बिंद्रे, ओम पुरी और कादिर खान नजर आए थे। इसकी बजट 4.8 करोड़ थी और इसने 13 करोड़ की कमाई की और यह हिट रही। इसी साल ढाल फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, विनोद खन्ना, अमरीश पुरी और डेनी डॉन जोंपा थे। इसकी बजट 2.50 करोड़ थी और इसने 4.70 करोड़ की कमाई की और यह एवरेज रही। इसी साल के आखिर में कहर फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, अरमान कोहली, सोनाली बिंद्रे और दीप्ति भटनागर थे। इसकी बजट 4 करोड़ थी और इसने 11 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद साल 1998 में विनाशक फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, डेनी डॉन जोंपा और ओम पुरी थे। इसकी बजट 6 करोड़ थी और इसने 11 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म एवरेज साबित हुई। इसी साल आक्रोश फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, गिरीश कर्नाड और सुरेश ओबेरॉय थे। इसकी बजट 4.75 करोड़ थी और इसने 5.10 करोड़ की कमाई की थी और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल हमसे बढ़कर कौन फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, सोनाली बिंद्रे और दीप्ति भटनागर थे। इसकी बजट 2.25 करोड़ थी और इसने 4.03 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। इसके बाद साल 1999 में सुनील शेट्टी की हू तू तू फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, तब्बू और नाना पाटेकर थे। इसके बजट 4.50 करोड़ थी और इसने 7.84 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज साबित हुई थी। इसी साल बड़े दिल वाली फिल्म आती है। यह फिल्म सन 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म इट कुड हैपन टू यू की हिंदी रीमेक थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, प्रिया गेल, परेश रावल और अर्चना पूरन सिंह नजर आए थे। इसकी बजट 3 करोड़ थी और इसने 3.02 करोड़ की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसी साल काला साम्राज्य फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, मोनिका बेदी, अमरीश पुरी और दीपक श्रीके थे। इसकी बजट 3 करोड़ थी और इसने 1 करोड़ कमाई की। इसी के साथ यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2000 में सुनील शेट्टी की क्रोध फिल्म आई थी। यह फिल्म 1996 में आई मलयालम फिल्म हिटलर की हिंदी रीमेक थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, रंभा और जोनी लेबर नजर आए थे। इसकी बजट 4.25 करोड़ थी और इसने 8.90 करोड़ की कमाई की और यह एवरेज रही। दोस्तों, इसी साल सुनील शेट्टी की हेरा फेरी फिल्म आई थी। यह फिल्म 1989 में आई मलयालम फिल्म रामाजी राव स्पीकिंग की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, तब्बू और ओम पुरी नजर आए थे। इसकी बजट 7.50 करोड़ थी और इसने 22 करोड़ की कमाई की और ये सेमी हिट रही। दोस्तों, इसी के साथ इस फिल्म ने कुल 5 अवार्ड जीते थे। इसी साल रेफ्यूजी फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर और जेकी शेरफ थे। इसकी बजट 15 करोड़ थी और इसने 35.45 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। इसी साल जंगली फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, फरहाद खान, उर्मिला मातोंडकर और मकरंद देशपांडे थे। इसकी बजट 4.75 करोड़ थी और इसने 14.39 करोड़ की कमाई की और ये सेमी हिट रही। इसी के साथ इस फिल्म ने कुल 4 अवार्ड जीते थे। इसी साल सुनील शेट्टी की धड़कन फिल्म आई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी थे। इसकी बजट 9.50 करोड़ थी और इसने 26.48 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। दोस्तों, इस फिल्म ने कुल 2 अवार्ड जीते थे। इस फिल्म ने सुनील शेट्टी को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की आगाज फिल्म आती है। यह फिल्म सन 1998 में आई तेलुगु फिल्म शिवैया की हिंदी रीमेक थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, नम्रता शिरोदकर और सुमन रंगनाथन थे। इसकी बजट 6.50 करोड़ थी और इसने 9.04 करोड़ की कमाई की और ये फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2001 में कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, काजोल, ऋषि कपूर और राठी अग्निहोत्री थे। इसकी बजट 6 करोड़ थी और इसने 11 करोड़ की कमाई की और ये फ्लॉप रही। इसी साल ऑफिसर फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और डेनी डॉन जोंपा थे। इसकी बजट 5.75 करोड़ थी और इसने 6.41 करोड़ की कमाई की और यह भी फ्लॉप रही थी। इसी साल प्यार इश्क और मोहब्बत फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अर्जुन रामपाल, आफ्ताब शिवदाशनी, मोनिका बेदी और कृति रेड्डी थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 7.16 करोड़ की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसी साल इत्तेफाक फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, मुकुल देव, पूजा बत्रा, अनुपम वर्मा और शक्ति कपूर थे। इसकी बजट 4 करोड़ थी और इसने 3.30 करोड़ की कमाई की थी और दुर्भाग्यवश यह फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई थी। इसी साल सुनील शेट्टी की 12B फिल्म आई, जो कि एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, शान, सिमरन और ज्योतिका थे और यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसी साल ये तेरा घर ये मेरा घर फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, महिमा चौधरी और परेश रावल थे। इसकी बजट 6.25 करोड़ थी और इसने 7.15 करोड़ की कमाई की और ये फ्लॉप रही। इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की एहसास फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, नेहा वाजपेयी और किरण खेर थे। इसकी बजट 4.50 करोड़ थी और इसने 1.62 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2002 में सुनील शेट्टी की आवारा पागल दीवाना फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल और आफ्ताब शिवदाशनी थे। इसकी बजट 13 करोड़ थी और इसने 27.58 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। इसी साल जानी दुश्मन फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सोनू निगम और अरमान कोहली थे। इसकी बजट 18 करोड़ थी और इसने 18.57 करोड़ की कमाई की थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर
फ्लॉप साबित हुई थी। इसी साल अनर्थ फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, गौतम रोड़े और प्रीति जहांगीनी थी। इसकी बजट 6 करोड़ 75 लाख थी और इसने 5 करोड़ 12 लाख की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसी साल कर्ज फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और आशुतोष राणा थे। इसकी बजट 11 करोड़ थी और इसने 15 करोड़ 60 लाख की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल मसीहा फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, नम्रता शिरोडकर, राजपाल यादव और मोहन जोशी थे। इसकी बजट 4 करोड़ 5 लाख थी और इसने 1 करोड़ 92 लाख की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर हुई। इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की कांटे फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और लक्की अली थे। इसकी बजट 30 करोड़ थी और इसने 42 करोड़ 96 लाख की कमाई की थी और इसी के साथ यह फिल्म ब्लो भी साबित हुई। इसके बाद साल 2003 में बाज फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, करिश्मा कपूर और डीनो मोरिया थे। इसकी बजट 6 करोड़ 25 लाख थी और इसने 4 करोड़ 82 लाख की कमाई की और ये फ्लॉप साबित हुई। इसी साल खंजर मूवी आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, तब्बू और गुलशन ग्रोवर नजर आए थे। इसकी बजट 5 करोड़ थी और यह फिल्म 95 लाख ही कमाई कर पाई थी, जिस वजह से यह डिजास्टर साबित हुई। इसी साल सुनील शेट्टी की कयामत फिल्म आई थी। यह फिल्म सन 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म द रॉक की हिंदी रीमेक थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन, नेहा धूपिया, संजय कपूर और अरबाज खान नजर आए थे। इसकी बजट 16 करोड़ थी और इसने 28 करोड़ 56 लाख की कमाई की थी और यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी। इसी साल सुनील शेट्टी की खेल फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल और केलिना जेटली नजर आई थी। इसकी बजट 13 करोड़ थी और इसने 11 करोड़ 17 लाख की कमाई की और ये फ्लॉप साबित हुई। और इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की एक और फिल्म आई थी, जिसका नाम था एलओसी कारगिल। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, संजय दत्त, नम्रता शिरोडकर, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और साथ ही और भी बड़े बड़े कलाकार नजर आए थे। इसकी बजट 33 करोड़ थी और इसने 31 करोड़ 67 लाख की कमाई की थी और इसी के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद साल 2004 में रुद्राक्ष मूवी आई थी। इसमें सुनील शेट्टी, संजय दत्त, बिपाशा बासु और ईशा कपिकर थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 9 करोड़ 90 लाख की कमाई की और यह डिजास्टर साबित हुई। इसी साल मेहुना फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, शाहरुख खान, सुष्मिता सेन और जायद खान थे। इसकी बजट 21 करोड़ थी और इसने 73 करोड़ 32 लाख की कमाई की थी और इसी के साथ यह फिल्म हिट रही और इस फिल्म को कुल 3 अवार्ड प्राप्त हुई थी। इसी साल लकीर फिल्म आई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जॉन अब्राहम और सोहेल खान थे। इसकी बजट 16 करोड़ थी और इसने 7 करोड़ 97 लाख की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसी साल सुनील शेट्टी की आन फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और परेश रावल थे। इसकी बजट 15 करोड़ थी और इसने 14 करोड़ 41 लाख की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल क्यों हो गया ना फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, विवेक ओबेरॉय, ऐश्वर्या राय और दिया मिर्जा थे। इसकी बजट 10 करोड़ थी और इसने 16 करोड़ 36 लाख की कमाई की थी और इसी के साथ यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसी साल रक्त फिल्म आई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, बिपाशा बासु, संजय दत्त, डीनो मोरिया और नेहा धोपिया थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 8 करोड़ 44 लाख की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसी साल एक से बढ़कर एक फिल्म आती है। इस फिल्म में रवीना टंडन, शेखर सुमन और ईशा कोप्पिकर थे। इसकी बजट 6 करोड़ 5 लाख थी और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की हलचल फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, करीना कपूर, अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ और परेश रावल नजर आए थे। इसकी बजट 10 करोड़ थी और इसने 32 करोड़ 87 लाख की कमाई की थी और यह फिल्म हिट रही। इसके बाद साल 2005 में सुनील शेट्टी की पद्मश्री, लालू प्रसाद यादव फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर और जॉनी लीवर नजर आए थे। इसकी बजट 6 करोड़ 5 लाख थी और इसने 2 करोड़ 42 लाख की कमाई की थी और यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसी साल ब्लैकमेल फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा थे। इसकी बजट 9 करोड़ 50 लाख थी और इसने 6 करोड़ 59 लाख की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसी साल टैंगो चार्ली फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, बॉबी देओल, अजय देवगन, संजय दत्त और तनिषा थे। इसकी बजट 13 करोड़ 5 लाख थी और इसने 7 करोड़ 16 लाख की कमाई की और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। इसी साल 10 फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, जायद खान, शिल्पा शेट्टी और दिया मिर्जा थे। इसकी बजट 22 करोड़ थी और इसने 38 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म एवरेज रही। इसी साल चॉकलेट फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, इमरान हाशमी और इरफान खान थे। इसकी बजट 9 करोड़ थी और इसने 10 करोड़ 35 लाख की कमाई की थी और ये फ्लॉप साबित हुई। इसी साल के आखिर में सुनील शेट्टी की दीवाना हुई पागल मूवी आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, परेश रावल और रिमी सेन नजर आए थे। इसकी बजट 20 करोड़ थी और इसने 26 करोड़ 58 लाख की कमाई की थी और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2006 में फाइट क्लब फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, जायद खान, सोहेल खान और रितेश देशमुख थे। इसकी बजट 8 करोड़ थी और इसने 8 करोड़ 89 लाख की कमाई की और यह फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल शादी से पहले फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, आयशा टकिया और मल्लिका शेरावत थी। इसकी बजट 11 करोड़ थी और इसने 16 करोड़ 89 लाख की कमाई की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसी साल डरना जरूरी है फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और रितेश
देशमुख थे। इसकी बजट 8.75 करोड़ थी और इसने 10.65 करोड़ की कमाई की और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल चुप चुप के फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, शाहिद कपूर, करीना कपूर, नेहा धूपिया और अनुपम खेर नजर आए थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 25.58 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। इसी साल फिर हेरा फेरी फिल्म आई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल, बिपाशा बसु और रीमा सेन नजर आए थे। इसकी बजट 18 करोड़ थी और इसने 70 करोड़ की कमाई की और ये फिल्म सुपरहिट रही। इसी साल आपकी खातिर फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, प्रियंका चोपड़ा और डिनो मोरिया नजर आए थे। इसकी बजट 16 करोड़ थी और इसने 13 करोड़ 24 लाख की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसी साल उमराव जान फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और दिव्या दत्ता नजर आए थे। इसकी बजट 23 करोड़ थी और इसने 19 करोड़ 53 लाख की कमाई की और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। इसी साल के आखिर में अपना सपना मनी मनी फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सुरेश तलपड़े, कोयना मित्रा और रिया सेन नजर आए थे। इसकी बजट 9.50 करोड़ थी और इसने 20.73 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। इसके बाद साल 2007 में सुनील शेट्टी की डोंट स्टॉप ड्रीमिंग फिल्म आती है। यह एक इंग्लिश फिल्म थी। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, ऋषि कपूर, रिचर्ड ब्लैकबोर्ड और मिचेल कॉलिंस नजर आए थे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसी साल शूट आउट 8 लोखंडवाला फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, संजय दत्त, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन नजर आए थे। इसकी बजट 18 करोड़ थी और इसने 46.04 करोड़ की कमाई की और ये सेमी हिट साबित हुई। इसी साल कैश फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अजय देवगन, रितेश देशमुख, जायेद खान और ईशा देओल नजर आए थे। इसकी बजट 32 करोड़ थी और 30 करोड़ की कमाई की और ये फ्लॉप रही। इसी साल एक और फिल्म आई थी, 10 कहानियां, जिसमें हमें सुनील शेट्टी, अरबाज खान, मंदिरा बेदी, सुधंसा पांडे, जिमी शेरगिल और भी बड़े बड़े कलाकार नजर आए थे। इसकी बजट 21 करोड़ थी और इसने 13 करोड़ 29 लाख की कमाई की और ये डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2008 में सुनील शेट्टी की मिराज फिल्म आती है, जो की एक टर्किश फिल्म थी। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, श्वेता अग्रवाल और गोखन मुमकु नजर आए थे। इसी साल सुनील शेट्टी की 1-2-3 फिल्म आती है। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी, तुषार कपूर, परेश रावल, ईशा देओल और समीरा रेड्डी नजर आए थे। इसकी बजट 14 करोड़ थी और इसने 27 करोड़ 36 लाख की कमाई की और ये एवरेज रही। इसी साल मिस्टर ब्लैक, मिस्टर व्हाइट फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, आशीष विद्यार्थी और शरद सक्सेना थे। इसकी बजट 11 करोड़ थी और इसने 3.89 करोड़ की कमाई की और ये डिजास्टर साबित होती है। इसी साल मिशन इस्तांबुल फिल्म आती है। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, श्रेया सरन और जायेद खान थे। इसकी बजट 21 करोड़ थी और इसने 9.34 करोड़ की कमाई की और ये भी डिजास्टर रही। इसी साल मुखबिर फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, समीर दत्तानी, ओम पुरी, सुशांत सिंह और राहुल देव थे। इसकी बजट 5 करोड़ थी और इसने 16.25 लाख की ही कमाई कर पाई थी, जिस वजह से यह भी डिजास्टर साबित हुई थी। इसके बाद साल 2009 में सुनील शेट्टी की डेडी कूल फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, आरती छाबड़िया, जावेद जाफरी और अफ्ताब शिवदासनी नजर आए थे। इसकी बजट 13 करोड़ थी और इसने 6.37 करोड़ की कमाई की और ये डिजास्टर रही। इसी साल दे दनादन फिल्म आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, परेश रावल और कटरीना कैफ नजर आई थी। इसकी बजट 45 करोड़ थी और इसने 82 करोड़ की कमाई की और ये एवरेज रही। इसके बाद साल 2010 में सुनील शेट्टी की तुम मिलो तो सही फिल्म आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, नाना पाटेकर, डिंपल कपाड़िया और विद्या मालवाड़ी नजर आए थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 3.52 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल रेड अलर्ट फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, भाग्यश्री, विनोद खन्ना और नसरुद्दीन शाह नजर आए थे। इसकी बजट 10 करोड़ थी और इसने 1.93 करोड़ की कमाई की और ये भी डिजास्टर रही। इसी साल बारूद फिल्म आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, मुनमुन सेन और अनंत महादेवन नजर आए थे। इसकी बजट 4 करोड़ थी और यह बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख ही कमा पाई थी, जिस वजह से यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद एक और फिल्म आती है, जिसका नाम था नो प्रॉब्लम। इसमें हमें सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अनिल कपूर, अक्षय खन्ना और परेश रावल नजर आए थे। इसकी बजट 40 करोड़ थी और इसने 45.08 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2011 में थैंक यू फिल्म आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, सोनम कपूर, रिमी सेन और इरफान खान नजर आए थे। इसकी बजट 58 करोड़ थी और इसने 75.37 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसी साल लूट फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, गोविंदा, जावेद जाफरी और महाकश्यप चक्रवर्ती नजर आए थे। इसकी बजट 15 करोड़ थी और इसने 4.41 करोड़ की कमाई की और ये डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2012 में सुनील शेट्टी की मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है फिल्म आती है। इसमें हमें सुनील शेट्टी, राजपाल यादव, ओम पुरी और उदिता गोस्वामी नजर आए थे। इसकी
बजट 5,25,00,000 थी और ये मात्र 25,00,000 की ही कमाई कर पाई थी, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद साल 2013 में एनिमी फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, महाकश्यप चक्रवर्ती और जॉनी लीवर नजर आए थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 2,28,00,000 की कमाई की और ये फिल्म डिजास्टर हुई। इसके बाद साल 2014 में कोयलांचल फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, विनोद खन्ना और विपिन और रवि सिंह नजर आए थे। इसकी बजट 14 करोड़ थी और इसने 2,29,00,000 की कमाई की और यह फिल्म डिजास्टर रही। इसी साल देसी कट्टे फिल्म आई थी। इसमें हमें सुनील शेट्टी, जय भानुशाली, अखिल कपूर और टिया वाजपेयी नजर आए थे। इसकी बजट 12 करोड़ थी और इसने 2,98,00,000 की कमाई की और यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2015 में सुनील शेट्टी की दो चेहरे फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, रवीना टंडन और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इसकी बजट 2 करोड़ थी और इसने मात्र 1,75,00,000 ही कमा पाई, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2017 में सुनील शेट्टी की ए जेंटलमैन फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैकलिन फर्नांडेज और दर्शन कुमार थे। इसकी बजट 50 करोड़ थी और इसने 39,16,00,000 की कमाई की और यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2018 में सुनील शेट्टी की मराठी फिल्म आई थी, जिसका नाम था अ ब क। इस फिल्म में हमें सुनील शेट्टी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इसकी बजट 25 करोड़ थी और ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद साल 2019 में सुनील शेट्टी की पहलवान फिल्म आई थी। यह एक कन्नड़ फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, किच्चा सुदेव, आकांक्षा सिंह और कबीर दुहन सिंह नजर आए थे। इसकी बजट 37 करोड़ थी और इसने 60 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 2020 में सुनील शेट्टी की दरबार फिल्म आई थी। यह एक तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, रजनीकांत, नयनतारा और निवेथा थॉमस थे। इसकी बजट 140 करोड़ थी और इसने 256 करोड़ की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दोस्तों, यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म थी। इसके बाद साल 2021 में सुनील शेट्टी की मोसागल्लू फिल्म आई थी। यह एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, विष्णु मंचा, काजल अग्रवाल और रूही सिंह थे। इसकी बजट 51 करोड़ थी और इसने 1,90,00,000 की कमाई की और ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद साल 2021 में सुनील शेट्टी की मरक्कर फिल्म आती है। यह एक मलयालम फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, मोहनलाल, प्रणव मोहनलाल और अर्जुन सरजा थे। इसकी बजट 85 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में थी और इसने 39,72,00,000 की कमाई की और ये फिल्म डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2022 में सुनील शेट्टी की घनी फिल्म आई थी। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, वरुण तेज, साई माजेकर और जगपति बाबा थे। इसकी बजट 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में थी और इसने 6 करोड़ की कमाई की और ये भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा देना।